कोलारस विधानसभा की बदरवास की ग्राम बारई में एक युवक डीपी में करंट लगने से झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की उम्र महज 25 साल है। इस खबर को पाते ही पूरे गांव में मातम पसर गया, साथ ही युवक का पूरा परिवार इस घटना से विचलित है, जिसके बाद पोहरी विधानसभा सेवक कैलाश कुशवाहा समस्त कुशवाहा समाज के लोग और कार्यकर्ताओं के साथ परिवार से मिलने पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए कैलाश कुशवाहा द्वारा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वहां बुलवाया गया और उन पर इस लापरवाही से हुई घटना पर कार्रवाई करने का दबाव भी डाला गया। साथ ही प्रशासन से मांग की कि पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से सहायता की जाए और परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी जाए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो सके। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घटना एक बड़ी लापरवाही के कारण हुई है और ऐसी घटना आगे भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि विद्युत मंडल संबंधित अधिकारी और लाइनमैन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके बाद समस्त कुशवाहा समाज के लोगों ने मिलकर ऑपरेटर और लाइनमैन पर धारा 304/34 के अंतर्गत कार्रवाई करने की मांग की है। बारई घटना, एक बारई गांव में कुशवा समाज के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आप कुशवा समाज का नेतृत्व करते हैं, आपने प्रशासन से क्या मांग की इस बारे में? देखो, लगभग सुबह 9:45 ये घटना घटी और हमको 10:15 मालूम चला, और जैसे ही मालूम चला 9 घटना घटी, तो हम 1 में लगभग यहाँ पे आ गए और पता चला कि बॉडी टंगी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई प्रशासन नहीं पहुँचा, फिर प्रशासन बाद में पहुँचा है। और मैं तो यह कहूँगा कि जो बिजली घर के विद्युत मंडल के अधिकारी हैं, उन्होंने उनको डेली वेज पे लगाया और ना परमिट लिया, लाइन चालू पर उन्हें चढ़ा दिया, बरसात का मौसम है। तो घटना जो घटी वो लापरवाही से घटी। मैं तो ये कहूँगा कि नीचे से ऊपर तक विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना आगे चल के और जगह भी हो सकती हैं। और कई जगह क्षेत्र में, अभी गोटू भाई साहब ने बोला कि नंगे तार डले हैं, लापरवाही है, उन्हें इससे मतलब नहीं, वो तो शुद्ध वसूली की जा रही है। और सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि वसूली करो और उन्हें पैसा पहुंचाओ, चाहे वो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। मैं यह कहूंगा कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उन पर कार्रवाई होना जरूरी है और किसी हमारे अन्य लोगों पर कभी ऐसी घटना ना घटे, इसी के लिए हम सब ने परिवार के लिए नौकरी भी मांग की है और आर्थिक मदद के लिए मांग की है। और मैं यही कहूंगा कि ऐसी घटना आगे ना घटे। पूरे बदरवास क्षेत्र को मैं दुख की लहर है और हम उस परिवार को शोक संवेदना के लिए, परिवार को धैर्य रखने के लिए आए हैं और